नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे गाइस, आप देखना चाहते थे व्लॉग, वी आर बैक टू द व्लॉग एंड टुडे पीछे कोई नहीं है, जैसे मैं हमेशा दिखाती हूँ पीछे एवा है, ये है, वो है, आज कोई नहीं है. इट्स सॉरी, लेट्स जस्ट सो इट्स अ डेट. इज इट अ डेट? आर वी जस्ट ब्लशिंग लाइक इट्स गोइंग ऑन अ फर्स्ट डेट. सो आज हम रहे मैंने और अरुण को, लेट्स टेक आउट सम टाइम फॉर जस्ट टू ऑफ अस. तो हम जा रहे हैं मूवी देखने, कश्मीर फाइल, जो कि आप लोगों ने तो देख ही ली होगी अगर आप इंडिया से व्लॉग देखते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा चर्चों पे है मूवी. तो बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आ रहे थे उस मूवी के, हमें लगा कि हमें चलते हैं देखने वो मूवी. यहाँ पे लगी है वो थिएटर में, तो एक तो वो है और उसके अलावा भी जाते हैं थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं जगह, जस्ट टू ऑफ अस. काफ़ी टाइम से हुआ नहीं है ऐसा कि जब मैं और अरविंद जा रहे हो सिर्फ कहीं. तो आज वही स्पेशल है इस व्लॉग में, आपको भी दिखाते हैं कैसे हम अपना दिन स्पेंड करते हैं. एंड सो स्टे ट्यून्ड गाइस. अभी टाइम हुआ है अराउंड 2:30 और 5:30 बजे की मूवी है और आज दिन बहुत ही खूबसूरत है, धीरे धीरे समर्स आर हियर. सो अरविंद, आपका क्या विचार है आज के? मेरी ट्रेन छूट रही है, मैं इसलिए हम फोकस ऑन ड्राइविंग. या हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं ओस्लो. कंटिन्यू करते हैं इसको ट्रेन पे. सो मैं अरविंद के साथ, पहले हम इसके अब ऑफिस जा रहे हैं, मतलब वेल बोलने को तो डेट है पर हो तो काम ही नहीं है फिर भी. तो पहले मैं अरविंद के ऑफिस जाऊंगी और फिर हम देखेंगे हम उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं. मैं हम आपको भी दिखाते हैं कि उसका ऑफिस अभी उसको लगता है बहुत डल है, देयर इज नो लाइफ इन हिज ऑफिस रूम. सो या, और अभी अंधेरा नहीं हुआ है, टनल है, कॉमन सेंस. स्टेशन से उतरते ही कुछ दूर चलते ही आगे जो है ट्रक्स हैं, ये फूड ट्रक्स. तो यहाँ पे हम चूरोस खाएंगे. अब बड़े दिनों बाद व्लॉग कर रहा हूँ तो पता भी नहीं लग रहा व्लॉग बनाते कैसे, सो सॉरी अगर आप बोर हो रहे होंगे क्योंकि, बट हाँ शैलजा बताइए है व्लॉगर. तो बाकी दिन बहुत सही है यार, देखो धूप है, मतलब समर ऑलमोस्ट आ रही है. नॉर्वेजियन में बोलते हैं समर आर्थिल बाखे, मेरे विचार देख सकते हैं जनता. ये चूरो द्वारा ट्रक है, यहाँ पे खाएंगे और यहाँ पे आके लगता है ना, ऑस्लो में आके ऐसे लगता है कोई और कंट्री में आगे आ जाएगा ना, लगता होगा. आइजोल से आके लगता है इतने सारे लोग और इतने फैशनेबल लोग, आइजोल में तो बड़े सीधे साधे लोग हैं. दादी जी चूरोज बना रही है, चूरोस खाएंगे, देखते हैं. 6 चूरोस 50 नॉक के, देखिए. और ये पीछे साइकिलिस्ट, इंडियंस हर जगह खाना खाते हैं, नॉर्वेजियंस हर जगह साइकिल चलाते हैं. तो कैसे होते हैं चूरोस जिनने नहीं खाया? मीठे होते हैं एंड फ्राइड होते हैं, जंक फूड है बट ठीक है, चलता है. लाइन लगी है किसी डॉक्टर के लिए, लाइन ही लगी है. लियो विताओं का शोरूम है, उसके लिए अंदर आपको पहले जाने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए. आप सोचिए, एक तो आप अपने पैसे खर्च करोगे, चीज़ खरीदोगे और जो बैग इतनी महंगी चीज़, बहुत ही महंगे से बैग है, तो उसके लिए पहले आपको टाइम भी अपना देना पड़ेगा और पैसे तो देने ही. देखिए बहुत लंबी लाइन लगी यार, लड़के पता नहीं क्यों खड़े हैं. तो भाई कई लड़के भी इंटरेस्ट रखते हैं फैशन में बॉस. और एवा अगर आप सोचें कि एवा हमारे साथ क्यों नहीं है, तो एवा संजना के साथ है. उन दोनों ने अपना दिन प्लान आउट करा हुआ है, उन्हें भी मूवी देखनी है, लाइब्रेरी जानी है, बहुत सारा फन करना है. आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही है, बहुत शोर है. ये मेरे राइट में है पार्लियामेंट और यहाँ पे कुछ आंदोलन चल रहा है, कोई आंदोलन चल रहा है, इसलिए मेरे को आवाज़ आ रही है किसी की चीखने की.
एक चीज़ जो मैं ओस्लो के बारे में बोलना चाहूँगा वो ये है कि इट्स अ वेरी स्मॉल सिटी इन कंपैरिजन टू स्टॉकहोम या फिर हेलसिंकी। अगर आप कभी ओस्लो आएंगे तो बस ये कार्ल योहान्स गाता ही है यहाँ का मेन। बट हाँ, हाइकिंग के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। अगर हम उस साइड जाएंगे और देखिए मेरे पीछे, तो वहाँ हम अक्कर ब्रिज पहुँच जाएंगे जो कि शिव हॉलमैन न्यू दिल्ली रेस्टोरेंट, वहाँ है बहुत सी चीज़ें। मतलब आप अगर कभी पर्यटक बन के यहाँ आ रहे हैं तो आप पैदल भी इस जगह को आराम से कर सकते हैं विद इन टोटल, मतलब 3-4 किलोमीटर की वॉक होगी आपके लिए, दैट इज़ ऑल। हम तो यहाँ इतनी बार आ गए, मेरा तो ऑफिस, मेरा तो स्कूल, सॉरी यूनिवर्सिटी इधर ही है। दिस इज़ लाइक मेरे हर दिन का रोड। हम जा रहे थे, जाना तो अरविंद की यूनिवर्सिटी था जैसे आपको बताया, देखने उसके रूम, पर चेंज हो गया प्लान। देखिए कि मौसम इतना अच्छा है, लोग सब चिल कर रहे हैं, मतलब हमें भी चेंज चिल करते हैं। मूवी हमारी 5:30 बजे है, अभी 3:30 बजे है, हमारे पास टाइम बहुत है। और क्या सही चल रहा है पीछे? आज ना ओस्लो में बहुत सी चीज़ें मुफ्त में मिल रही है, बट ये बंदा ऐड कर रहा है अपने एक प्रोडक्ट की, आई थिंक तो लेस टाइप के कुछ चिप्स हैं। तो भाई से बात करता हूँ वहाँ पे, देखते हैं। आ जाओ, है ये सुपर लेंसर इनके जो है चिप्स है, एंड इट्स रिद्दर होता है मसाला, पापरिका तो शिमला मिर्च, ठीक है। ओस्लो में कभी कभार बहुत सी चीज़ें मुफ्त में मिल रही थी, इनको भी अपना काम निपटाना था, चले ये भी घर अपनी दुकान बंद करके। कैसे अरविंद, मुफ्त के चिप्स? पहला रिस्पॉन्स तो है कि अगर मुफ्त में नहीं मिलती तो मैं कभी नहीं खरीदता, बट लगभग 10 सेकेंड बाद आपको नीड होती है कि आप एक और खाएं। है वो नीड? Try it on, show us. ठीक है, मतलब वैसा नहीं है, वाओ। वो लेज अंकल चिप्स वाली बात नहीं है, मतलब लहर कुरकुरे वाली बात भी नहीं है। ओके तो जी, थोड़ा भ्रमण करने के बाद पहुंच चुके हैं थिएटर सागा शीरो, अर्थात थिएटर। यहाँ पे लगेगी मूवी। शैलजा जी ने ये स्पॉन्सर की है मेरे लिए। बाकी मेरे को सेंटी मूवी ज़्यादा पसंद नहीं है, बट आई थिंक सो जैसे कि इसके रिव्यूज हैं, दे आर वेरी गुड एंड इट्स समथिंग वेरी रियलिस्टिक। तो देखते हैं कैसी है मूवी। चलिए फिर, अब मूवी तो दिखा नहीं सकते वरना पायरेटेड वर्जन हो जाएगा, बट उसके बाद वी गोना हैव अ डिस्कशन कि कैसी है ये मूवी। मूवी के बाद मिलते हैं, मूवी के बाद मिलते हैं। तो अभी ये मूवी देखने पहुंच गए और हमें हमारे सब्सक्राइबर्स भी मिले हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता है जब मिलते हैं अपने सब्सक्राइबर्स से। तो और पूरा थिएटर फुल है, सब देख सकते हैं। फ्रंट लाइन शायद अवेलेबल है 5-6 seats, बट एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई मेट मैम एंड सो, और ये वी आर हैप्पी टू मीट यू, थैंक यू। और अभी हम बहुत खुश हैं, पर मूवी के बाद बहुत सेंटी होने वाले हैं, ऑफकोर्स बहुत इमोशनल है, तो आप दोस्तों रात के बज रहे हैं 12, अब हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं, आज का दिन हुआ खत्म। मूवी के बाद हमने कुछ दोस्त मिल गए हमें, पर मूवी कैसी लगी अरविंद वो तो बताइए। मूवी यार मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेसिंग सी लगी। आई नो इट वॉज अ रियलिटी और जिनके साथ हुआ होगा इट्स वेरी सैड, बट आई मीन इट वॉज नॉट, मतलब पता नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं इसके बारे में। बहुत सैड थी, लाइक बहुत डिस्टर्बिंग सी थी टू नो द ट्रूथ, है ना। बस उसके बाद कुछ नहीं, दोस्त मिले, फिर डिनर करा, और अब पता लगा कि ट्रेन जो है आइजवाल के लिए 1 घंटे में एक बार जाती है और हम यहाँ 40 मिनट से वेट कर रहे हैं। तो बस यहीं पे व्लॉग ख़त्म कर लेंगे क्योंकि थक चुके हैं, घर पहुँचते पहुँचते अभी 1 घंटा और लगेगा, और अभी रात के 12 बज चुके हैं, रात के 12 बजने वाले हैं, 10 मिनट हैं। तो आज के लिए इतना ही, होपफुली वीडियो अच्छा लगा। आप देख सकते चहल पहल अभी भी ओस्लो स्टेशन में है, बहुत बेहतर। चलिए बाय, नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे।